अगर आप मैच्योर हैं तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मैच्योरिटी का लेवल ये है कि आप लोगों को वजाहत देना छोड़ देते हैं और खामोश हो जाते हैं। अगर कोई आपको बुरा भला कह भी दे तो आप उनसे बहस नहीं करते, बल्कि ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यस आई एम, हाँ मैं हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सच में आप वैसे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। याद रखें, गाड़ी के पीछे कुत्ता कुछ ही फासले तक दौड़ता और भौंकता रहता है, ना ही वो कुत्ता आपसे गाड़ी छीनना चाहता है, ना ही वो गाड़ी में बैठना चाहता है, और ना ही उसे गाड़ी चलानी आती है। इसी तरह ज़िंदगी के सफ़र में कुछ इसी आदत के लोग आपकी राह में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जब आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हों और लोग आपके सफ़र में रुकावटें डालने की कोशिश करें, तो उनसे उलझने की बजाय अपनी मंजिल की तरफ मुतवज्जा रहें। और याद रखें, और आपको तल्ख नहीं होना और बदला लेने वाला भी नहीं बनना, और जाल बिछाने वाला और चालें चलने वाला भी नहीं बनना, और ऐसा भी नहीं होना कि आप शातिर कहलाएं, और ऐसा भी नहीं करना कि लोगों के लिए आप गढ़े खोदें। आपको लगे जख्म हैं दिल पर भी और रूह पर भी, लेकिन आपने इनके लिए मरहम बदला लेकर तैयार नहीं करना। मरहम आसमानी ही अच्छे होते हैं और मरहम रहमानी ही शफा देने वाले होते हैं। छोड़ दें जो हुआ, जाने दें जिसने भी जो किया, आप अपने पीछे दरवाजे बंद करके आगे बढ़ जाएं। जख्म देने वालों, तकलीफ पहुंचाने वालों और रूह को रौन देने वालों को अपने हाल पर छोड़ दें और अपना हाल ठीक करें। आपको वो नहीं बनना जो हालात आपको बना रहे हैं, बल्कि आपको वो बनना है जो आमाल बनाते हैं। रब का बंदा बनने की कोशिश करें, बंदा मोमिन यानी एक बेहतरीन इंसान।